थोड़े टाइम में एकदम मुंह में चढ़ गया है ये सॉन्ग। तो सबसे पहले तो जानना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है गाने का। मालूम आप बताइए, इन्होंने गाना गाया है, सिंगर भी और आर्टिस्ट भी, तो मालूम था मेरे साथ ज़्यादा अच्छा बता सकते। कॉन्सेप्ट तो पूरा कोरियोग्राफ तो सर्ट किया है, मास्टर जी ने किया है कॉन्सेप्ट, उनको पता है वो किस हिसाब से मुझे लुक देना चाहते हैं। लेकिन गाना मेरा फर्स्ट टाइम है, तो प्रेजेंट में फर्स्ट टाइम एज अ सिंगर हो रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। अभी मास्टर जी मुझे किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं, गाना बहुत ज़बरदस्त है। जब मेरे पास एक गाना आया था, मुझे कहा गया कि गाना थोड़ा उसके पीछे डायरेक्ट करना है, हल्का पीछा, पीछे तुम पीछे आ रहे हो क्या? मैं बोला मेरे को पहले गाना सुना, उन्होंने मुझे गाना सुनाया, बोला कि जो गा रही है वही सिंगर है। तो बोला पहले उनको देखो फिर डांस कैसे करते हैं। मान लिया मेरे पास बहुत नर्वस थी कि कैसा करेंगे क्या करेंगे, तो फिर उन लोगों ने एक आइडिया किया। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ा एक LED बॉक्स बनाया, कम से कम 30x30 का, अभी आप लोग देखेंगे उसको शूट करेंगे। तो उसमें अलग अलग चीता के साथ इनकी एंट्री है, और दो कॉस्ट्यूम है, एक इंडियन कॉस्ट्यूम, एक वेस्टर्न कॉस्ट्यूम है। और इन्होंने बहुत मेहनत की, कम से कम 5-6 दिन रिहर्सल की, डांस किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो जिस सबसे नर्वसनेस दिखा रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट है ये, तो अच्छा कर रही है। और CSP प्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहे हैं, गाने को लॉन्च कर रहा है, प्रोडक्शन उनका है, प्रोड्यूसर वो है। तो मैं उनको बोलूँगा बहुत बहुत मुबारक आपको ये एल्बम के लिए, सिंगल के लिए बहुत अच्छा। ओके मैम, ये म्यूजिक के साथ डेब्यू भी कर रहे हैं एज अ सिंगर, सो आर यू नर्वस? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगर के लिए, हाँ डेब्यू सिंगर में हो रहा तो मैं नर्वस तो हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन शूटिंग में जब सब लोग मेरा गाना का तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा गाए हो अच्छा गाए, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और गाना का जो लिरिक्स इतना कैची है, तो मुझे उसमें गाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, तो परफॉर्म करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो उसमें अभी नर्वसनेस एकदम चला गया, अभी जब रिलीज होगा तब पता चलेगा। और जो हुक स्टेप है जो मास्टर जी ने डाला है, उसमें तो अभी मुझे लगता है कि जब ही लोग गाना सुनेंगे किल करता, तो दिस वन शुड बी देयर, हाँ लोग ऐसे ही करेंगे। तो लेकिन एक्टिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए नर्वस एकदम नहीं हूँ, क्योंकि मास्टर जी डांस करा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं सुनी कि मास्टर जी डांस करेंगे, जब प्रोडक्शन हाउस से मुझे बोला कि मास्टर जी डांस करा रहे हैं, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ, क्योंकि बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ कि उनका कोरियोग्राफी, हम लोग डांस भी करते, एवरी थिंग, जो भी मेरा फेवरेट गाना है तो मास्टर जी का। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मैं फर्स्ट टाइम मेरा जो सिंगिंग का डेब्यू होने वाला है वो मास्टर जी के हाथ में। ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। मलोपिका जी, आपका आपने कनिका कपूर के साथ परफॉर्म किया उनके गाने पे, जो T-Series से लॉन्च हुआ था, एक शाहिद मालिया के साथ आपका गाना आया था, एक साउथ में तेलुगु सॉन्ग आया है, अब ये आप डेब्यू कर रहे हैं एज ए सिंगर, तो ये गाना कब लॉन्च होगा, और इस गाने के बारे में मतलब आप रिहर्सल आपने कितने दिन किए? मैंने 4-5 दिन रिहर्सल किया था, और ये जो पहले का आप लोग ने जो बताया, जो भी शाहिद मालिया के साथ जो वो उनके गाने को जो मैंने परफॉर्म किया था, उसमें जी में रिलीज़ किया था, तो उसमें परफॉर्मिंग ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरा लुक्स, मेरा एटीट्यूड और मेरा थोड़ा हंसना ये सब था। उसके पहले जो गाना था प्रीटी गर्ल, उसमें कनिका कपूर जी ने गाया था, तो उसमें डांस वगैरह बहुत अच्छा था। और लेकिन ये मेरे लिए स्पेशल, क्योंकि इसमें मैंने खुद गाया है, और बहुत जल्दी रिलीज़ होगा, बहुत जल्दी, मतलब हो सकता है कि 1 month के अंदर आप लोग को बस ये गाना आ जाए। अभी मास्टर जी देखेंगे कि सब क्या है कैसे, उनको ही पता है कि कब ये चीज़, मतलब फाइनल जो आउटपुट है वो आएगा, उसके बाद ओके। जैसे कि सर, कितना वक्त लगा मैम को सीखने के लिए, डांस सिखाने के लिए, थोड़ा सा कुछ बता? मैंने कहा ना आपको, जब आए थे तो ऐसा लगा था नर्वस रही, जब मैंने डांस किया, रिहर्सल किया, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लगी, क्योंकि जो इंसान खुद गाता है उसको फीलिंग्स पता होती है, गाने के एक्सप्रेशन पता होते हैं, सब पता होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत कम सिंगर्स करता हूँ, बहुत इसलिए मुझे गाना बहुत अच्छा लगा इसका, इन्होंने जो चाहे वो मुझे दिया। ये LED स्क्रीन बहुत महंगी होती है, जैसे ये बहुत कॉस्टली होती है, जैसे आप देखते हैं इंटरनेशनल एल्बम्स में होता है सब कुछ, उन्होंने जो CSP प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा किया। गणेश जी, आपको नाचने में ज़्यादा मज़ा आता है कि नचाने में ज़्यादा मज़ा आता है? नहीं, मुझे नाचने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, नचाने में आता है, लेकिन क्या करूँ मैं,
मैं जब से मैंने घाटक का गाना किया मारा रे तब से मुझे लोग नचा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि मैं नाच रहा हूँ। अभी मैं मना भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि उनको सब जितने हैं उस वक्त से लोग ये सोचते कि मैं आता हूँ तो गाना हिट हो जाता है या कुछ ऐसा कुछ, लेकिन सच बताओ मुझे नचाने में बहुत मजा आता है। तो आप तो लकी चार्म लोग फील करते हैं आपको? हाँ, क्योंकि गाने ऐसे बहुत सारे हिट हुए हैं और मैं थोड़ा सा फिगर वाइज बहुत ऐसा था तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ अलग है, बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझे, ऑडियंस बहुत प्यार करती है, तो कोशिश करता हूँ। और मैं ना नहीं बोल बताऊँ, मेरी एक शॉट आने से शायद लोगों को खुशियाँ मिलती है अपने काम पर। मैम, गाना बनाने में कितना समय लगा आपको, मतलब लिखने में? रिकॉर्डिंग में गाना तो जो लिखे शब्बीर अहमद जी ने लिखे, वो ऑलरेडी इतना आदमी ने गाने लिखे, उसके बाद फाइनली जब गाना शूट मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे दो दिन में फुल्ली मैं रिकॉर्डिंग कर ली। मुझे लगा था मुझे 10 days लगेगा, वो लोग बोल रहे तो बहुत टाइम लगेगा ये। उसके बाद मैं जब 2 दिन में मतलब गाना रिकॉर्डिंग कर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि आउटपुट कैसे आने वाला है, लेकिन सुन के मुझे अच्छा लगा। और जो लोग अभी भी सुन रहे हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हो और जो डांसर्स हैं सब लोग, मुझे फर्स्ट वो लोग को तो पता नहीं था मैंने गाया, जब बहुत अच्छा गाना है बहुत अच्छा गाना, फाइनली जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने गाया है तो मैम आपने गाया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सिंगर से बॉलीवुड में इतना अच्छा अच्छा सिंगर से इतना टैलेंटेड उसके अंदर अगर मेरा गाना लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेस है। तो मुझे शब्बीर जो डायरेक्टर है शब्बीर, उसने इससे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा कि ये गाना आपको करना है इससे करके, शब्बीर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो बस शब्बीर ने लिखा है और गाना बहुत अच्छा है। सर, जैसे कि आपका क्लास एकेडमी भी शुरू हुआ है, थोड़ा सा कुछ जानकारी देना चाहिए? गाना उस दिन बताया? हाँ, उस दिन भी बताया था, लेकिन कहाँ कहाँ किस तरह से चल रहा है थोड़ा सा कुछ बताना। 14 February को लखनऊ वाला के यहाँ पे बहुत बड़ा मेरा स्टूडियो ओपन हो रहा है, 14 February को एक कोई अच्छा आर्टिस्ट आएंगे वो लॉन्च करेंगे उस एकेडमी को। वो इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, क्लास जैसा नहीं है, वहाँ पे 12 महीने का पूरा एक कोर्स होगा जिसमें आप पूरा बॉलीवुड स्टाइल सीखे जा सकते हैं, जैसा गणेश अच्छा जा सकते हैं। बस बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है। तो जो मुझे ऐसा था, मुझे ऐसा लगा था कि गणेश आचार्य स्टाइल जो लोगों को लगता है वो मैं लोगों के छोटे छोटे देश में वर्ल्ड में लोगों के दिल में बसा हूँ, तो वही हो रहा है। सर, कल काफ़ी बड़ी दुख खबर आई नाना पाटेकर जी के माता जी की, कुछ कहना चाहिए? मैं जाने वाला उनके पास, मेरा शूट कर रहा हूँ, मुझे कल पता चला, तो मैंने से आज सुबह बात हुई थी किसी दोस्त से, उन्होंने बोला कि मैं जाऊँगा शूटिंग। थैंक यू।